ईसाई धर्म और योग। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। एक भक्त ने तब कहा, गुरुदेव महाराज शिक्षा देनी आपने, भरम हरा सब आज। धर्म सबन की एकता है सिखलाई आप, मूर्खता वश लोग तो बहते हैं संताप। नाम धर्म का ले कर करते झगड़ा नाथ, धर्म वीर कहलान हित रंगे खून से हाथ। आप गुरु हम शिष्य तिहारे, धर्म संबंधी भरम निवारे। सब धर्मों का अब से मान, करेंगे शिक्षा आपकी मान। कीना नाथ जी आप बखान, योग से उपजे धर्म महान। सब धर्मों के जो थे बानी, भय योगी वे सभी ज्ञानी। आज जो जग के सभ्य प्रदेश, ईसाइत उनका धर्म विशेष। ईसा ने वह धर्म चलाया, जग ने उसको है अपनाया। सब आंगल उसके अनुयायी, जिनकी भारत में प्रभुताई। ईसा ने क्या योग कमाया, ज्ञान कौन सा वह दे पाया। इसकी हमको है जिज्ञासा, आप गुरु हम तुम्हारे दासा। आप गुरु हम शिष्य हैं, जिज्ञासा चित्त होए, प्रश्न करें जो आपसे, करें निवारण सोए। श्रवण कीनी जब उसकी बात, प्रभु जी कहा सुन लो ममतात। ईसा मसीह प्रभु का प्यारा, जिसने जग से पाप निवारा। दुखियों को उस गले लगाया, धर्म हेत निज बलि दे पाया। शुद्ध बुद्ध था उसका रूप, पुरुष अलौकिक एक अनूप। बालपने में योग कमाया, ईश्वर का उस दर्शन पाया। कहा भक्त एक दीन दयाल, आप कहें जब ईसा बाल। तब ही उसने योग को धारा, अचंभा हमरे मन यह भारा। कहां से सीखा था उस योग, यह बात नहीं जाने लोग। हमको तो ना विदित यह,
ईसा धारा योग। कौन गुरु योगी मिले जिन सिखलाया योग। प्रभु जी ने बतलाया सुनो प्यारे मीत, महापुरुष के भेद को करत विरला प्रतीत। उसका जीवन मैं बतलाऊं, रहस्यमयी कुछ भेद जताऊं। फिलिस्तीन एक देश प्यारा, जहां जन्मा वह स्वर्ग मतारा। मरियम थी उसकी महतारी, यूसुफ पिता बच्चा अवतारी। यहूदी धर्म पुरातन जानो, उसमें उपजा इसको मानो। बालपने से थी लिवलागी, धर्म कर्म का वह अनुरागी। यरूशलम जो धर्म स्थान, होत वहां एक पर्व महान। फसह पर्व उसे कह पावे, वर्ष प्रति वहां सब जन जावे। मरियम संग यूसुफ भी जाता, ईसा भी उन संग सिधाता। ईसा वहां जो देखता धर्म कर्म की रीत, रूढ़ धर्म को देख कर करत ना मन प्रतीत। बारह वर्ष जब आयु पाई, जनता सब थी वहां सिधाई। यरूशलेम से लौटे लोग, बिछुड़ा ईसा का संयोग। माता पिता बहु खोजन लागे, ढूंढ ढूंढ अतीव विरागे। यरूशलेम पुनः मुड़ आए, देख अचंभा सब विस्माए। मंदिर भीतर वह था बैठा, विज्ञ जनों के मध्य में बैठा। कर रहा उनसे वाद विवाद, सुनाता उनको निज संवाद। देख सभी उसकी चतुराई, भूले थे वे निज प्रभुताई। मात पिता उसको तब ले लौट आए, फिर वे निज गे। ईसा घर में आय कर, पैतृक करता काम। मन उसके यह बात थी, किस विध पाऊं राम। कई वर्ष उस इमी बिताए, मन में बस एक बात समाए। ऐसा मिले कोई विद्वान, पाऊं जिससे पूर्ण ज्ञान। योगी तब एक नाम युवान, आर्यवर्त से पहुंचा आन। वन वन फिरता करत प्रचार, मन को जीतो नर और नार। यर्दन नदी के रहत किनारे,
दीक्षित करता जन वह सारे। यहूदी देख भये हैरान, कहां से आ पहुंचा युवान। उसका करें वे बहुत विरोध, भये युवान के मन ना क्रोध। चांदना त्यागे शीतलताई, लाख करो उस पे पथराई। युवान योगी था मन का शांत, ख्याति फैल गई सब प्रांत। ख्याति उसकी श्रवण कर, ईसा आया पास। कहन लगा गुरु देव जी, दीक्षा की है आस। युवान से दीक्षा ईसा पाई, दिव्य दृष्टि उसको मिल आई। आत्मदर्शन उसने पाया, ईश्वर जनो उस पास था आया। महान गुरु अवतारी दीक्षित, दर्शन दिव्य तुरंत समीक्षित। उसने सारा जगत भुलाया, वन की ओर वह तुरत सिधाया। खान पान सब उसने त्यागा, साधन योग में ही बस लागा। जो दर्शन उसने थे पाए, उसके मन के मांझ समाए। योग युक्त ईसा हो पाया, ईश्वर का वह पूत कहाया। 40 दिन तप उसने कीना, सिद्ध भयावर ऐसा लीना। 40 दिन कर योग को, समाहित करके चित्त। ईसा सिद्धि पाय कर, निकला जग के हित। ईसा बन मसीह जग आया, परम सिद्ध वह पुरुष कहाया। योग की सिद्धियां उसके साथ, दीन दुखी जन की न सनाथ। रोग ग्रस्त जन चल के आते, ईसा से निरोग हो जाते। कुष्ठ रोगी व मिर्गी ग्रस्त, भूत प्रेत से अथवा त्रस्त। झोले से थे झोलाचार, ईसा सबका कीन उपचार। योग की जानो यही बढ़ाई, विश्व प्रेम में लगे ईसाई। पंगु को उस चलन सिखाया, अंधे को था नयन दिलाया। मृत को दीने उसने प्राण, किमि करें उसके गुणगान। गुरु से पाया योग उस, चमत्कार दिखलाए। भया ईशु विख्यात जग, योग सकल गुण गाए। दुनिया की पर रीत अजीब,
हितकारी को मिले सलीब। यहूदियों का था वह प्रदेश, प्रचारे योग युवान जिस देश। याजकों को ना यह सब भाया, कैद उन्होंने युवान कराया। करें वे ईशा को परेशान, ईसा घूमे स्थान स्थान। ईसा के थे कुछ अनुयायी, ईसा के रहे संग सहाई। ईसा एक दिवस चढ़ पाया, पर्वत के वह ऊपर आया। शिष्य मंडल भी पाछे आया, बैठ घेर ईसा को पाया। ईसा ने तब दीन उपदेश, योग धर्म का जो निर्देश। यम नियम सब योग के, ईसा की न बखान। बात सरल वह योग की, समझें लोग सुजान। अहिंसक बनो सभी तुम भाई, शिक्षा ईसा यह दे पाई। दयावंत जो जन जग माही, धन्य कहूँ उनके में ताही। दयावंत ही दया को पावे, ईश्वर के वे दर जब जावे। हत्या करना है अपराध, दंड पाए वह नर बिन बाध। और बात मैं यह समझाऊं, क्रोधी भी अपराधी पाऊं। अपशब्द जो कहत है मुख से, छूटे नरक की ना अग्नि से। मन से वाणी और कर्म से, त्रिविध हिंसा कहे उन सब से। दृष्टांत देय तब उस समझाया, पुरुष मनो एक भेंट है लाया। स्मरण आई यदि यहाँ पे बात, रुष्ट है मुझसे मेरा भ्रात। बलि को वेदी सन्मुख त्यागे, क्षमा प्रथम भाई से मांगे। क्षमा भाई से मांग कर, पूजा करे सुजान। इस विध ईसा ने दिया अहिंसा विषयक ज्ञान। झगड़ा यदि है किसी के साथ, निवेड़ो झट से तुम एक हाथ। कहीं ऐसा ना होने पाए, राजा दंड दे तुम्हें सताए। और बात एक मैं बतलाऊं, तत्व गूढ़ तुम्हें समझाऊं। अहिंसक सहनशील बन पावे, बदले की ना चित में लावे। निकाले आंख बदले ना आंख, दांत बदले ना तोड़े दांत। चपट जो मारे दाई गाल,
कर दो सन्मुख बाई गाल। नालिश कर जो कुरता लेवे, दोहरा भी जन उसको देवे। कोस एक बेगार चलावे, दो कोस जन उस संग जावे। मांगन हार को करो ना नाही, मोड़ो ना मोहरिणी से साई। ईसा ने इस विध कहा, निज शिष्यन के ताही। पर्वत ऊपर बैठ कर सब जनता के माही। आगे उसने यह कहा, सुन लो ला कर कान। बात काम की है बड़ी, यदि सुख चाहत जहान। सुन राखी तुम बात यह मीत, पड़ोसी से तुम राखो प्रीत। और वैरी से वैर निभाओ, जैसे से तैसा कर पाओ। पर तुमको मैं भिन्न बताऊं, वैरी संग प्रीत सिखाऊं। करे जो तुमको बहु परेशान, उसके हेत भी मांगो दान। वैरी की हम चाहें भलाई, ईसा ऐसी सीख सिखाई। भानु का सर्वत्र उजाला, करता ईश्वर दीन दयाला। भेद भावना इसमें आए, कर्म हमारा तिमि हो पाए। प्रेमी से ही केवल प्यार, विशेषना यह तो कुछ व्यवहार। प्रीति वैरी से करे, धर्मी जानो सोए। ऐसे नर के सामने वैरी मित्र होए। यह भी मुझसे सुन तुम पाओ, किसी को दोषी ना ठहराओ। देखो केवल अपना दोष, किसी पे मत करो तुम रोष। अपने साथ चाहो तुम जैसा, दूसर साथ करो तुम वैसा। भक्तन को प्रभु जी समझाया, ईसा का उपदेश बताया। अहिंसा योग में है प्रधान, ईसा ने भी कीन प्रवाण। अहिंसा जो ना पाल दिखावे, ईसाई नर ना वह हो पावे। सत्य सत्य भी योग में है प्रधान, ईसा वह भी करत प्रवाण। कहा ईसा ने भक्तन ताही, बात साफ हो हाँ या नाही। अधिक बात क्यों कर कह पावें, कर विस्तार ना सत्य छिपावें। बढ़ चढ़ कर जो कहत है, और खात जो शपथ,
गुप्त रखत वह सत्य को, गहत झूठ का पथ। कहे ईसा तुम शपथ ना खाओ, शपथ स्वर्ग की कह ना पाओ। ईश्वर का वहां जानो आसन, करे जो सारे जग पे शासन। धरा की शपथ ना कर इंसान, प्रभु के पांव की चौकी जान। यरूशलेम की शपथ ना खाओ, पावन नगरी उसको पाओ। निज सिर की भी शपथ ना लेखे, विचित्र प्रभु की रचना देखे। सको न कर एक बाल श्वेत, अथवा श्वेत को तुम अश्वेत। इस कारण तुम शपथ ना खाओ, हाँ या ना ही मैं कह पाओ। सत्य सत्य बस तुम कह पाओ, बातों में ना सत्य छिपाओ। सत्य छिपाए बात में, और लेत जो शपथ। चतुराई वह करत है, त्याग धर्म का पथ। ईसा ने इस विद समझाया, मार्ग सत्य का सबन बताया। योग से भिन्न ना धर्म ईसाई, बात समझ यह सबको आई। प्रभु जी ने तब और बताया, निज भक्तों को उन समझाया। अस्तेय व्रत अस्तेय सुनो तुम भाई, योग में इसकी है महताई। ईसा ने इसको प्रचारा, निज उपदेश में इमी उचारा। मैं तो मानू उसको चोर, बाहिर कुछ वा भीतर और। छिप छिप करता सारे पाप, निज गुणों का करत आलाप। धर्म करे और सबन दिखावे, दान दे कर तुरही बजावे। करे भजन और शोर मचावे, धर्मी पुरुष ना वह कहलावे। देत धोखा जो औरन ताही, स्तेन की संज्ञा वे नर पाही। वे नर सारे चोर हैं, आंख में झोंके धूल। ऐसे नर पे है मन, कर विश्वास ना भूल। ब्रह्मचर्य। प्रभु जी की सुना वार्ता, सबके मन संतोष। कहन लगे है नाथ जी, चोरी बड़ा है दोष। आगे इससे क्या भगवान, ईसा ने था की न बखान। वह गुण हम भी लेवें जान, योग का इससे मिलता ज्ञान।
प्रभु जी बोले सुन लो तात, ईसा कथी जो आगे बात। ब्रह्मचर्य की बात बताई, शुद्धाचार की सीख सिखाई। ईसा कहत है भक्तन जानो, व्यभिचार को दोष तो मानो। मैं पर सूक्ष्म बात कह पाऊं, कुत्सित दृष्टि पाप सुनाऊं। दृष्टि पापमयी जो होवे, पापी जानो नरक वह गोवे। शूद्र दोष ना इसको मानो, विपद घोर का कारण जानो। एक अंग के कारणे पड़े नरक की आग, धिक है ऐसे अंग को, नरक होत मंद भाग। नेत्र देह का दीप है, रखिए इसे निरोल। स्वच्छ दीप यह निर्मला, कह दी मैंने खोल। आगे प्रभु जी ने बतलाया, ईसा का सुविचार सुनाया। ईसा ने यह बात बताई, बात सबन के जो चित भाई। अपनी पत्नी जो जन त्यागे, महादोष उस नर को लागे। त्यक्ता नार कुकर्म कमावे, सारा दोष पति पर आवे। सदाचारी हो नर वा नार, ईसा की शिक्षा का सार। पत्नी व्रत पति लेवे पाल, पतिव्रता भी होवे नार। जग से हो व्यभिचार का नाश, ब्रह्मचर्य का इमी विकास। ब्रह्मचर्य की सीख महान, योग धर्म में इसको जान। ब्रह्मचर्य की सीख जो ऋषियन ने कथ पाई, ईसा ने उपदेश में बैठ पहाड़ सुनाई। अपरिग्रह। और सुनो अब भक्त जन, ईसा के तुम बोल। योग धर्म जिसमें बसे, कथन करें वही खोल। संग्रह करो न धन का भाई, ईसा बात साफ कह पाई। योग में अपरिग्रह जो आया, ईसा ने वह स्पष्ट बताया। गुरु योगी से शिक्षा पाई, कीनी थी उस योग कमाई। सत्य बात थी उस पहचानी, आत्मा की जिमी हुए नहानी। कहा ईसा ने सुनो सुजान, धन जोड़े सो पुरुष नादान। धन पदार्थ नाश को पावे, कीट आदि उनको खा जावे।
चोर आवे वा उसे चुरावे। जगत में धन ना टिकने पावे। स्वर्गिक धन की करो कमाई, पहुंच चोर की जहान भाई। चोर चुरावे जो धन, अथवा होता नाश, उस धन से क्या लाभ है, नर को करत हताश। जिस धन को ना कीट ही खावे, और ना जिसको चोर चुरावे, ऐसे धन की करो कमाई। ईसा ने यह बात सुनाई। जहां पर होगा धन बहु तेरा, वहां पर मन भी होगा तेरा। ज्ञान इसी से ले वो भाई, स्वर्गिक धन की करो कमाई। इस विध पांचों यम बतलाए, भक्त जनों के मन बहु भाए। सार्वभौम है योग उपदेश, योग दर्शन का कथन विशेष। किसके मन को ये ना भावें, जीवन की जो राह दिखलावें। स्वर्ग लोक के जो सोपान, अथवा मोक्ष का देते ज्ञान। यम नियम सभी योग के, धर्म कर्म के मूल। सब धर्मों के जान लो, तात्विक यही असूल। नियमों का उपदेश भी ईसा ने कथ दीन। सर्वप्रथम जो शौच है, उसको ही उसलीन। शौच मन वचन और कर्म की शुद्धि शौच कहाय। बिन शुद्धि नहीं ईश को, नर सकत है पाय। कहा ईसा ने सब जन, श्रवण करो चित लाय। शुद्धि मन की कीजिए, निर्मल जिमी हो पाए। निर्मल मन से मिले भगवान, निर्मल मन में प्रभु का ज्ञान। मन निर्मल जब नर कर पाए, ईश्वर को झट मन ही लखाए। संतोष कही ईसा ने यह भी बात, रहिए सब संतोष से तात। धन का करो ना सोच विचार, रखिए ईश्वर चित्त में धार। दो मालिक को मान के देव, क्या सकता है कर कोई सेव। खान पान ना चित्त में राखो, ईश भजन में ही तुम माखो। वस्त्रों का भी त्यागो ध्यान, सब बातों से बढ़कर प्राण। पक्षियों तक जो भोजन देवे,
क्यों कर तेरी सुधि ना लेवे। पक्षी बीज ना बीजते और ना काटें खेत, भंडार करें ना अन्न का, ईश्वर सबको देत। चिंता से नहीं धन बढ़ जाता, ईश्वर देत वही जन पाता। क्यों वस्त्रों का करते ध्यान, वन के पुष्पों से लो ज्ञान। कैसा सुंदर रूप निखारे, बढ़ते हैं वे शून्य में सारे। सुलेमान सम्राट महान, ऐसा नहीं पाया परिधान। घास पात का रूप निखारे, क्या ईश्वर ना तुम्हें संवारे। व्यर्थ की चिंता है तुम लाई, सोच के देखो मेरे भाई। नास्तिक जन का ही यह काम, रहत सोच में काल तमाम। आस्तिक जन तो प्रभु को ध्यावे, सकल पदार्थ प्रभु से पावे। सकल पदार्थ पात वह, भजे जो जन भगवान। चिंता कल की त्याग कर, करे प्रभु गुणगान। यह शिक्षा ईसा ने दीनी, सीख योग की सबने लेनी। तप का भी उस देना ज्ञान, योग में तप का खास स्थान। धन्य सभी वे जन लो जान, धर्म हेतु सह कष्ट महान। करो तपस्या इस विध भाई, पखंड हुए ना उसमें राई। देखे ईश्वर तेरे कर्म, जगत दिखावा करो न धर्म। उपवास करो तो रहो सचेत, बने न मुख पाखंड के हेत। बहुजन सुख के मार्ग जाते, खुले द्वार प्रवेश वे पाते। पर जानो वह नाश का मार्ग, तप का नहीं वह भोग का मार्ग। अन्य मार्ग का जानो सार, तंग मार्ग और तंग द्वार। विरले जन उस पर चल पावें, जो चालें वे जीवन पावें। जीवन दाई मग गहे, तपस्वी जो जन होए। विरले जन इस मग चलें, चले जो सूरा सोए। स्वाध्याय। ईसा ने स्वाध्याय बताया, ज्ञान का मार्ग सबन लखाया। अध्ययनशील योगी जन होवे, योग शास्त्र से अनुभव गोवे।
कह ईसा ने मम उपदेश, प्राप्त करो सुन कर निर्देश। मन न करें आचरण में लावें, बुद्धिमान वे पुरुष कहावें। उनका जीवन तिमि सुरक्षित, दृढ़ नीव जिमि भवन आरक्षित। बेशक आंधी आए तूफान, देवे भवन पे चोट महान। बिगड़ना उसका कुछ भी पाए, नींव की दृढ़ता उसे बचाए। परंतु सुने ना जो उपदेश, अथवा आचरण ना करत विशेष। जीवन उसका अस्थिर जानो, बालू नींव पे भवन पहचानो। बालू की जो नींव पे बना भवन हो मीत, टिके नहीं तो फान में, सोचो ला तुम चीत। ईश्वर प्रणिधान। सबसे उत्तम जान लो ईश्वर का प्रणिधान, यही ईसा बतलाया दे भक्तन को ज्ञान। प्रार्थना की उस रीत बताई, हृदय से शुद्ध भक्ति सिखाई। प्रदर्शन हेत ना हो यह भाई, एकांत करो भक्ति चितलाई। निज भवन के बैठ के बीच, कपाट ले वो तुम उसका मीच। ईश्वर से फिर कर अरदास, स्वामी वह तू उसका दास। ईश्वर सर्व व्यापक भाई, विनय तेरी की हो सुनवाई। इष्ट पदार्थ तुझको देवे, यदि तू उसको इस विध सेवे। तेरे मन की ईश्वर जाने, तेरी तोट वही पहचाने। करो फिर मन से यह अरदास, पिता हो तुम हम तुम्हारे दास। तुम ही पिता हम दास हैं, स्वर्ग तुम्हारा वास। पतित पावन नाथ जी, शरणी आया दास। तू है स्वर्ग लोक का स्वामी, और पवित्र है तू नामी। भू पर राज्य होए प्रभु तेरा, सबको सुख का मिले बसेरा। तेरी इच्छा ही हो पूरी, साध मेरी ना रहे अधूरी। पेट समाता देवें अन्न, हम अपने को माने धन्य। क्षमा करो अपराध हमारे, हम भी क्षमाशील हों सारे। क्षमा हमारे करना दोष,
प्राणी हम तो नहीं निर्दोष। परीक्षा में हमको न लाना, पाप से हमको सदा बचाना। महिमा सदा तेरी हम गावें, राज्य तेरे में रक्षा पावें। अस्तत मन में कीजिए करके प्रभु का ध्यान। ध्यान योग से मिलत है जन को जीवन दान। प्रभु से ही तुम सब कुछ मांगो, मांगन में ना लेश भी सांगो। मांगो और तुम्हें मिल पाए, खोजो और तुम्हें दिख जाए। खटखटाओ खुलेगा द्वार, अजन्मा देखो तुम एक बार। ईश्वर दया सागर है जानो, पिता जगत का उसे पहचानो। पुत्र पिता से रोटी चाहे, पत्थर पिता नहीं दे पाए। मछली मांगे मछली पाए, सांप पिता नहीं हाथ थमाए। स्वर्गिम पिता की है क्या बात, वह तो दयावान साक्षात। हम दोषी वह दोष से न्यारा, सदा खुला है उसका द्वारा। प्रभु जी ने इस विध कहा, ईसा का उपदेश सुनकर भक्तन मन बसा। राम योगेश महेश, राम से बड़ा न जग में कोई। सब संतन का ईश्वर सोई, गुरुओं का वही गुरु महेश। भक्तन चित्त बसा निशेष, धर्म हेत जिस लेन अवतार। बखाना धर्म का निज मुख सार, सब धर्मों की कीन बढ़ाई। सब संतों की उपमा गाई, सब धर्मों को एक बताया। योग में एकता को दिखलाया, रेमन शरण प्रभु की धार। भव से बेड़ा होगा पार, हरि हरा नंद को जिन तारा। रामा को जिन पार उतारा, वनचर जीव जिन्होंने तारे। राजा रंक कई लाए किनारे, उसी प्रभु की शरण ग्राहो। शाश्वत शांति को फिर पाओ, शरण प्रभु की ग्रहण कर। संशय रे मन त्याग, संत जनों के संत जो। कर उनसे अनुराग, बालपने जन वृद्धा तारी। मरण शैया पर पड़ी उबारी, श्याम नारायण हरि हर राय।
भक्त जनों को चरणी लाए। स्वाई का कुल जन समुदाय, ग्राम ग्राम के जन जो आए, उन सब को जिन चरणी लाया, रुग्ण जनों का रोगन साया। रे मन कभी ना वह प्रभु भूल, तारण हार उनकी पग धूल। सूखा धीमर प्यारे लाल, निज दर्शन देखी न निहाल। ठाकुर जोहरी चंदन सिंहा, ठाकुर दास गुलाब सिंहा। कृपा कर वे चरणी लाए, दुख दारिद से सभी तराए। दुख दारिद से तारण हार, रे मन शरण उन्हीं की धार। शरण प्रभु की ना जो आए, भव सागर से ना तर पाए। प्रभु जी तारण हार हैं, निश्चय ऐसा धार। रे मन प्रभु का भजन कर, अवसर बार ना पार। मुलख राज निज चरणी लाया, गोपालानंद भव बंध छुड़ाया। ऋषि देवी जिन ऋषि बनाई, द्रौपदी से जिन कवित लिखाई। काकब शुंडी जिन का गुण गाया, कलियुग का अवतार बताया। गुरुओं का गुरु वर्णन कीना, प्रभुओं का भी प्रभु कह दीना। ज्ञान चक्षु से ब्रह्म ही चीना, त्रेता युग में था लिख दीना। मन मूरख मत कर अब सोच, प्रभु ईष्टों के ईष्ट हैं लोच। प्रभु से क्या कुछ ना तू पाए, शरण गहो बस यही उपाय। जो भी शरण प्रभु की आया, प्रभु ने उसको नहीं ठुकराया। शरण प्रभु की ग्रहण कर, करत यत्न से योग। जीवन उसका हो सफल, कहें सब सज्जन लोग। अखिल जगत के प्रभु जी स्वामी, गंडा राम के सुत शुभ नामी। भागवंती के सुंदर जाए, महाप्रभु जी गुरु जिन पाए। सुमेरु पर्वत की नावास, भूतल पर जो थल एक खास। सिद्धों का जो सुंदर धाम, सिद्ध पुरुष बहु देखे राम। प्रभु सिद्धों के सिद्ध सुरेश, सिद्ध करें सत्कार विशेष। सिद्धों से प्रभु की भई प्रीत, वनचर भी प्रभु के भय मीत। सिंह समान जो जीव भयंकर,
भय प्रभु के वे भी किंकर। भालू और कपि वनवासी भय प्रभु के दास वादासी। सुमेरु पर्वत पर प्रभु ठहर तपस्या कीना। महाप्रभु के पास रहे सेवा में चित दीना। गुरु सेवा मर्याद निभाई विश्व सेव्य ने सेव कमाई। साधन योग बहुत कर पाए सिद्ध पुरुष निरख विसमाए। कीना बस्तिन मध्य प्रवेश जब पाया सतगुरु आदेश। बस्तिन के मध्य जिना पधार सर्वत्र कीना योग प्रचार। रे मन उनका बन अनुयायी जन्म जन्म के वही सहाई। प्रभु पर पूर्ण कर विश्वास जन्म जन्म की मिटेगी आस। ईसा का मत प्रभु बखाना भक्तों को मिला बहु ज्ञाना। योग से भिन्न धर्म ना खास सबके चित उपजा विश्वास। एक भक्त ने पुनः उच्चारा प्रश्न नाथ एक और हमारा। प्रश्न हमारा नाथ जी श्रवण करें भगवान। ईसा को कहें सकल जना मर कर पाए प्राण। क्या लीला यह हमरे नाथा क्या सच्ची है यह सब गाथा। ऐसा कहीं तो ना हो पाए शव दफनाया निकल के आए। क्या यह है कोई करामात अथवा है कुछ और ही बात। कर कृपा सब हमें बताएं आपसे बात सत्य सुन पाए। सुनकर यह जिज्ञासा नाथ कहन लगे तब पुरातन गाथ। चिरंजीव तुमको बतलाएं बात योग की तुम्हें सुनाएं। भेद योग का योगी जाने अन्य पुरुष ना लेश पहचाने। था यहूदी देश वह सारा ईसा ने जहां मत प्रचारा। विरले ऐसे जग में लोग सत्य को सुनने के जो योग। सत्य सत्य जब बात सुनाई भई ईसा से शत्रुताई। यहूदी लोग उमड़ के आए ईसा को वे पकड़ के लाए। राजा के उनकी ना पेश फांसी का जिस दिन आदेश। फांसी योगी
को मिले। कैसा यह उपहास, योगी अपनी शक्ति से धारे त्यागे श्वास। क्रूस पे ईसा को लटकाया, ईसा ने झट श्वास चढ़ाया। सूबेदार अनुमान लगाया, ईसा शीघ्र है मर पाया। दो डाकू भी थे लटकाए, वे तो अभी ना थे मर पाए। कौन योगी की जाने बात, योगी इच्छा मृत्यु तात। ईसा का एक भक्त प्यारा राजा के दरबार पधारा। यूसुफ था उसका अभिधान, ईसा का शब मांगा आन। सूबेदार को नृप बुलाया, कहा क्या ईसा है मर पाया। सूबेदार कह देनी बात, राजा अचरज की ना तात। इतनी शीघ्र स्वर्ग सिधारा, डाकुओं ने ना प्राण निकारा। देनी लोथ यूसुफ के ताही, यूसुफ राखी कब्र के माही। पाथर आगे एक रख देना, कब्र को इस विध बंद उसकी ना। बंद कब्र को जब किया, देखा भक्तन नार। हम आवेंगे इस थल, मन में लेना धार। इधर ईसा ने प्राण उतारे, निकल कब्र से वह अंधियारे। अपने देश की ओर सिधारा, छोड़ी कब्र गलील पधारा। तीजे दिन अबलावे आई, खाली कब्र देख विस्माई। नभ से उन्हें मिला संदेश, ईसा निकल गया निज देश। वे भी तब निज देश को आई, अपनी बात सबन कह पाई। ईसा बहुजन को मिल पाया, पर विश्वास ना सबको आया। उसको प्रेत ही करके माना, ईसा ने तब मन अनुमाना। आर्यवर्त की ओर सिधारूं, गुरु भूमि में मैं पग धारूं। योगिन संग में योग कमाऊं, मृत्यु पाछे स्वर्ग को पाऊं। इस विध मन अनुमान कर, आया भारत ओर। वन बस्तिन में वह फिरा, एक ना ठहरा ठौर। इस विध प्रभु जी ने बतलाया, जिस ईसा ने धर्म चलाया। योग से थी उस शिक्षा पाई,
योगी गुरु पाके न कमाई। जो भी शरण योग की आवे धर्मी पुरुष वही बन जावे। सुनकर भक्त जनों की बात कहा धन्य तुम जगत त्रात। हम जिनको विधर्मी जाने आपने उनके गुण बखाने। हमको दीना यह विश्वास योग मूल है धर्म का खास। इस विश्वास को हम ना त्यागें आप गुरु हम चरणी लागें। मद मत्सर को निकट ना लावें मार्ग योग पे ही चल पावें। योग का मार्ग ग्रहण कर सबसे राखें प्यार। एक पिता सब पूत हैं ऐसा मन में धार। कहा प्रभु तुम सच कर जाना योग महात्म ठीक पहचाना। योग पारस है मेरे भाई संग लगे सो स्वर्ण हो जाई। जिसने योग को है अपनाया ईश्वर शक्ति को उस पाया। उसमें भया आकर्ष विशेष जगत के मेटे उसी क्लेश। संग्रह लोक उसी ने कीना गुरु पदवी को उस पालीना। गुरु जगत का कोई कहलाया बानी धर्म कोई बन पाया। कोई अवतारी पुरुष कहावे पीर पैगंबर नाम धरावे। ईश्वर का कोई पूत कहाता तीर्थंकर कोई नाम धराता। किसी को कहते हैं बुद्ध भाई शुद्ध बुद्ध कोई हंस कहाई। संत महंत कोई ऋषि कहाए परम हंस कोई बन पाए। नाम भेद पर ना कुछ भेद योग मिटावे सबका भेद। एकता का जो सूत है योग उसी का नाम। सब फैक्ट्रिन में है जिमी विद्युत करती काम। विद्युत शक्ति एक है करती काम अनेक। योग शक्ति भी एक है उपजे मत अनेक। ऋषि मुनि जितने हुए और हुए अवतार। सबको ही तो योग का था केवल आधार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम